तो आज मेरे पढ़ाको सरफेस फॉर्मूले का पार्ट वन और पार्ट टू आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ऊपर आई बटन दबा लो नहीं तो वहां से मिल जाएगा ऑप्टिक्स के फोल्डर में। मेरे बेटा आज मैं इसका एक और आखिरी डेरिवेशन करूंगा सरफेस फॉर्मूले का, जिससे आपको पूरा तरीका क्लियर हो जाएगा, फिर आप खुद करना सीख जाओगे। अभी तक के दोनों वीडियो में लाइट रेज गई है रेयर से डेंसर मीडियम में, डन। एक ही फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉन्केव सरफेस हो, आज रे जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में और वही फॉर्मूला आएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चाहे रेयर से डेंसर हो, डेंसर से रेयर हो, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, कॉन्केव सरफेस हो या कॉन्वेक्स सरफेस हो, सबका एक फॉर्मूला। तो बेटा तैयार हो जाइए आज के अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। और कल, हाँ भूल मत जाना, कल मैं कराऊंगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इस चैप्टर की जान है ऑप्टिक्स की। तो खैर वो कल का टॉपिक है, आज पढ़िए डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन। तो मिलते हैं 30 सेकंड बाद। अब मैं बेटा अगला जो डेरिवेशन करूंगा उसके अंदर आप तैयार हो जाइए समझने के लिए। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो डेंसर को रेयर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। इस बार पहला मीडियम है डेंसर, दूसरा मीडियम है रेयर, है फर्स्ट मीडियम है डेंसर, सेकंड मीडियम है रेयर। अच्छा कुछ लोग कहते हैं डेंसर को टू मानो, रेयर को वन मानो, बेटा आपकी मर्जी मान लो, लेकिन उससे क्या है हर केस के फॉर्मूले अलग अलग आएंगे। अरे कल को उन्होंने डेंसर को थ्री मीडियम कह दिया तो, डेंसर को टू मीडियम कह दिया तो, मैं ऐसी पचलों में नहीं डालता कि जिससे हर चीज का अलग फॉर्मूला बन जाए। तुम सोचो यदि रियल इमेज का अलग फॉर्मूला, वर्चुअल का अलग फॉर्मूला, डेंसर से रेयर का अलग फॉर्मूला, रेयर से डेंसर का अलग फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स करने में बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे यहां जहां से रेस चलेंगी वो फर्स्ट मीडियम, रेस यहां से चल के यहां जाएंगी तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, और रे यहां से चल के वहां जाएंगी तो ये फर्स्ट और वो सेकंड। तो तुम लोगों को यदि सेम फॉर्मूला चाहिए तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जहां से रेस चली वो फर्स्ट मीडियम और जहां पहुंची वो सेकेंड मीडियम। ये है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां ओ, रे डायग्राम भी रटो मत। अब मुझे बताओ ये क्या है बेटा, नॉर्मल। अब यहां से कोई इंसिडेंट रे आई और यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। अब मुझे बताओ ये टुवर्ड नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यदि ये डेंसर से रेयर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, यदि ये सीधी जाती अनडेविएटेड तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, डेंसर से रेयर वाला केस ही गड़बड़ हो गया, नीचे होती तो भी गड़बड़ हो गया क्योंकि टुवर्ड नॉर्मल आ ही नहीं सकती डेंसर से रेयर जाने में। डेंसर से रेयर जाने में अवे फ्रॉम नॉर्मल जा सकती है, तो ये यहां से गई और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा वैसे ये बीच में बात पूछूं कि यदि मैं इसे कहूं पी, है मैं तुमसे पूछता हूं PCO का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वैसे ही पूछ रहा हूं, बताओ बेटा PCO का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। कई बच्चे कहेंगे आई और आर दोनों है, बेवकूफ, आर नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल तब होता है यदि एक साइड को एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर है। यदि ऐसे थोड़ी नहीं मैं इसको यहां बना दूं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा और यहां बना दूं तो ये भी एक्सटीरियर कहलाएगा, ना बेटा। तो बेटा यदि मैं इस एंगल को, जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्ट वाले को अल्फा और सेंटर वाले को गामा कहूंगा, तो आपको पहले ही बता दूं कि अल्फा और गामा इंटीरियर होंगे, एक्सटीरियर आई होगा आर नहीं,
क्योंकि नॉर्मल को एक्सटेंड करके इस साइड को एक्सटेंड करके आई मिल रहा है, इसको एक्सटेंड करके आर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये यहां से नहीं गई, इधर से गई है। तो ये पहले ही प्रिकॉशन बता दी, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि बेटा एक्सटीरियर एंगल आई है इसका। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा बेटा ये रे यहां गई, दूसरी नॉर्मल आने वाली, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आने वाली अनडेविएटेड गई। तो अब एक रे तो यहां से जा रही है और दूसरी रे यहां से जा रही है, क्या ये आगे बढ़ा करके इंटरसेक्ट कर सकती है? नो। जब आगे बढ़ा के इंटरसेक्ट ना करे तो बैकवर्ड बढ़ा करके इंटरसेक्ट कराते हैं, तो हम इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे और इंटरसेक्ट कराएंगे, ये होगी इमेज और ये एंगल होगा बीटा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब शुरुआत करते हैं। मेरे बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू, इमेज की डिस्टेंस माइनस वी, लेफ्ट साइड में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस प्लस आर, क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, और ये हाइट है एक्स। अब वही पुराना तरीका मेरे, वो जो बच्चे रोज पढ़ रहे हैं वो तो रट भी गया होगा। पहले हम हमेशा ट्रायंगल लेते हैं पीसीओ, और फिर हम उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रायंगल हमेशा लेते हैं आईपीसी। अभी भी यदि पिछले ना पढ़े हो तो ऊपर आई बटन दबाओ, आई बटन दबाते के साथ ही आपको पिछली दोनों वीडियोस मिल जाएंगी ऑप्टिक्स वाले फोल्डर में। तो मेरे बेटा पीसीओ और आईपीसी, जरा पीसीओ को बाहर निकालो, ये है पीसीओ जिसे मैंने बाहर निकाल लिया है पीसीओ, और मुझे बताओ मैंने पीसीओ को बाहर निकाल लिया है बेटा। अब मुझे बताओ कि ओ पर एंगल कितना है अल्फा, सी पर कितना है गामा, और ये एक्सटीरियर एंगल है आई। मैं पहले बता चुका हूं बीच की फिगर नहीं देखनी चाहिए, चल थोड़ी देर के लिए मिटा दो, आप इस पे नजर ही मत डालो, मैंने ये फिगर बनाई है पी सी ओ ये वाली। तो आई एक्सटीरियर है जैसे पहले बताया था, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और ये होगी मेरी पहला रिजल्ट। तो जो मैंने हटाया था वो दोबारा से बना दूं मैं और फिगर तैयार। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं आईपीसी। आईपीसी को पहचानो, आईपीसी को ढूंढना सीखो, ये मेरा है पी आई सी। इमेज पर एंगल है बीटा, सी पर एंगल है गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ये एंगल है आर। भाई डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करके आर मिल रहा है, तो आर एक्सटीरियर है। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, हटाओ थोड़ी देर के लिए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा। इस ट्रायंगल में इसे आगे बढ़ा के एक्सटेंड करके आर मिल रहा है, तो आर इज द एक्सटीरियर एंगल, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो मैं फिर फिगर पूरी कर दूं, बीच बीच में आपको दिखाता जा रहा हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा आर एक्सटीरियर एंगल है, तो बेटा यदि आर एक्सटीरियर एंगल है तो आर की वैल्यू हो जाएगी बीटा प्लस गामा, आर की वैल्यू हो गई बीटा प्लस गामा। ठीक, अब मेरे बेटा मुझे आई और आर मिल गया, तो कल वाले तरीके से स्नेल्स लॉ यूज करिए बेटा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और मेरे बेटा यदि एंगल्स छोटे हैं तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर यहां लिख देना, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। अब म्यू में क्या लिखें, मुझे बता रे 1 से 2 में जा रही है, 2 से 1 में, 1 से 2 में जा रही है, तो मैं लिखूंगा 1 में 2। अच्छा, यदि बाई चांस कोई टीचर कहे कि डेंसर को 2 ही मानना, रेयर को 1 ही मानना, तो मेरे बालक बिना पूछे यहां 2 में 1 लिख देना, क्योंकि यदि 1 से 2 में जाएगी, कल वाले वीडियो के लास्ट में दिया है, 1 से 2 में जाएगी तो 1 में 2, 2 से 1 में आएगी तो 2 में 1, 2 से 3 में जाएगी तो 2 म्यू 3। तो मेरी फिगर में जैसे मैंने माना है, मैंने जहां से रेस चली उसे फर्स्ट मीडियम माना है, और जहां पहुंची उसे सेकंड मीडियम माना है, तो मेरी फिगर में 1 से 2 में जा रही है, तो 1 म्यू 2। कौन से मीडियम से रेस चली, 1 से, किस मीडियम में पहुंची 2 में, तो 1 म्यू 2। तो मेरे बेटा 1 म्यू 2 आप लोगों ने देख लिया, साइन आर अपॉन साइन आर और एंगल्स स्मॉल है, तो आइए बना। अब मेरे बेटा आई और आर की वैल्यू रख रहा हूं, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा। तो मेरे बेटा मैं आज की वीडियो में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि बेटा कल और परसों दो दिन इस तरह की कर चुके हो अलग अलग केस। तो अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा, और ये बेटा एंगल छोटे हैं तो अल्फा की जगह टेन अल्फा, गामा की जगह टेन गामा, बीटा की जगह टेन बीटा, और गामा की जगह टेन गामा। तो ये मेरे पास आ गया 1 म्यू 2 की वैल्यू। अब हमें इनकी वैल्यूज रखनी है।
अब मेरे बेटा आप यहां से पहले देख लो, आप तो दोबारा रिवर्स करके देख लेना, tan अल्फा है x / u, मैं यहां लिख रहा हूं भी बोर्ड पे आपको दिखेगा नहीं, जब मैं खिसकाऊंगा तो आपको दिख जाएगा 1 μ2 tan अल्फा है x - u प्लस, अब tan गामा, tan गामा है x + r, तो ये है बेटा x + r, मैं भी लिखने रख रहा हूं वैल्यू, फिर जब बोर्ड खिसकाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। और tan बीटा, tan बीटा है x - b, तो tan बीटा हो गया x - b और प्लस tan गामा है x + r। तो मैंने अभी क्या किया है, आप लोग तो पॉज करके देख लोगे, मुझे यहां दिखाना पड़ा, tan अल्फा की वैल्यू x - u, tan गामा x + r, tan बीटा की वैल्यू x - b और tan गामा x + r। x पूरी इक्वेशन में से काट दो, सारे में से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 μ2 - 1 / b, तो -1 μ2 / b प्लस 1 μ2 / r, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों में, इज इक्वल टू -1 / u प्लस 1 / r। अब जिस जिस में u और v है वो एक तरफ, जिस में r है वो दूसरी तरफ, तो मेरे बेटा यहां पर r वाली टर्म एक तो है 1 μ2 / r, उधर से आ गई -1 / r, ये इधर चली गई, और यहां पर रह गए मेरे बेटा 1 μ2 / v -1 / u। अच्छा एलसीएम ले लो, तो 1 μ2 - 1 / r इज इक्वल टू 1 μ2 / v -1 / u। ये फॉर्मूला यदि आप कल का वीडियो और परसों का वीडियो देखो, बिल्कुल सेम निकल के आया है, यानी कि बेटा चाहे हमारा रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर, एक ही फॉर्मूला, लेकिन शर्त एक होगी, जिस मीडियम से रे चलेगी उसे फर्स्ट मीडियम कहना और जिस मीडियम में रे पहुंचेगी उसे सेकंड मीडियम कहना, तब सेम फॉर्मूला आएगा, ना डेंसर को फर्स्ट कहना ना रेयर को फर्स्ट कहना। अब मेरे बेटा कल जो कह रहा था, तुम्हें मालूम है 1 μ2 होता है μ2 / μ1, 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 / μ1। अब जगह बचाऊंगा तो मैं इसी लाइन में करूंगा, 1 μ2 को लिख दिया μ2 / μ1 डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगा μ2 / μ1 डिवाइडेड बाय v -1 / u। अब बताओ ये निकाला हुआ है, मैंने क्या किया था, यहां तो एलसीएम लिया था, तो ये हो जाएगा μ1। फिर इसके बाद क्या किया था, पूरी इक्वेशन को एक ही टर्म μ1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, μ1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये μ1 हट गया, ये μ1 हट गया और यहां पर μ1 आ गया। ये है दूसरा फॉर्मूला, काफी बात हो चुकी है अब इसके ऊपर, ये कल मैंने बताया भी था कि ये कब कब यूज होते हैं, तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं। कौन से, एक फॉर्मूला तो ये हो गया μ2 - μ1 / r इज इक्वल टू μ2 / v -μ1 / u। तो मेरे बेटा फर्स्ट कौन सा मीडियम है जिससे रे चली, सेकंड कौन सा है जिसमें रे पहुंची, तो देख बेटा अब समय आ गया है ये कहने का कि अब पहले रिवाइज करो तीनों वीडियो को, दो दो बार लिख के देखो जिससे कल लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आ जाए। अब मेरे लाल फर्स्ट मीडियम हमेशा उससे कहना जिससे रेस चली और सेकंड उसे कहना जिसमें पहुंची, तो आपको हर बार एक ही फॉर्मूला मिलेगा μ2 / v - μ1 / u = μ2 - μ1 / r। ये फॉर्मूला सब जगह लग जाएगा, सब्सक्राइब कर दो, अगला वीडियो चाहिए ना, और बेल आइकन भी दबा दो, डेली का डेली पढ़ो मजा आएगा। तो अब कहने का समय आ गया है बेटा, बाय बाय मेरे पढ़ाकू, और पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए।